मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायपुर के धरसीवा विधानसभा के ग्राम माट पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी, साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। इन घोषणाओं के तहत ग्राम माट में पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किया जाएगा और प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति में आहाता निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत गनियारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। इसके अलावा सीएम बघेल ने कई विकास कार्यों की घोषणा की। नेम करके हाई स्कूल किए जाए मां द्वारा ताली बजाओ और जिन लिफ्ट इरीगेशन के मांग रखे हो ग्राम पंचायत माठ मोरा पिकरी डी बिठिया मुड़पार और तिल्ला डी है ना, एक स्वीकृति देता हूं। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति माठ का आहाता का निर्माण कराया जाए। ग्राम खौली से भड़ा बुड़गहन फरदा होते हुए ग्राम कोसरंगी तक के मार्ग चौड़ीकरण कुराम पर्यटन पथ में के तहत स्वीकृत किया जाएगा। ग्राम पंचायत फरहदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की स्वीकृति मांग कर रहे थे चलो। ग्राम पंचायत गनियारी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। ग्राम पंचायत बरौंडा माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। ग्राम पंचायत मढ़ी और जारा कुमारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। ग्राम पंचायत नकटी ग्राम नकटी कुमारी में पुरानी बस्ती से नई बस्ती तक पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। करोरा नगर पंचायत में गौरव पथ निर्माण हेतु 1,92,00,000 की स्वीकृति और ग्राम सारा गांव में जिला सहकारी बैंक का शाखा खोलने की स्वीकृति। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिलियारी का नाम श्रीमती